Satanás. Entonces, pues, miro, vamos a ver si quede. मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब क्या होगा बताइए? तो जब कॉस्ट मिनिमम होगा तो कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू, अब ये माइनस से इसका तीन हो गया। अब ये कितना आसान आया तो समझिए, भले कितना लंबा डिग्री हुआ लेकिन अब इस तरह का कोई भी सवाल आ गया हटाया उसका मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू बताएगी तो रूट ऑफ का कॉस के गुणांक का वर्ग जो साइन का, और वही प्लस में बोलेंगे तो मैक्सिमम होगा और उसे पहले माइनस में लगा देंगे तो समझ में आया है। तो अब इसी को ऐसा लिख देते हैं, ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना रूट अंडर ऐसे लिखा है ना, मिनिमम वैल्यू कितना है माइनस, समझ में है आपको? इसका अर्थ है यह जितना से पहले बराबर है यानी कि यह मिनिमम वैल्यू का और वो हो गया कंफ्यूजन। अब इसी पर एक और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए अब इसमें आ जाएगा प्लस जो क्वेश्चन पढ़ गया एक प्लस थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस जो क्वेश्चन पढ़ गया तो इसका तो अभी हम लोग सीखे तो मैक्सिमम मिनिमम, तो जो मैक्सिमम मिनिमम इसका होगा उसमें क्या होगा उसकी यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आया? यही आपका तो यही तो है। अब आपका सवाल में कोई जान नहीं है, एक मिनट रुक जाइए।